गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। जैसा कि कल बताया गया था कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वह औपचारिक प्रधान होता है और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी होती है, अर्थात राष्ट्रपति के नाम से शासन के समस्त कार्य किए जाते हैं, किंतु वास्तविक कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों का बंटवारा किया गया है। यह दो प्रकार की शक्तियों के द्वारा कार्य करता है। यह है शांतिकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। आज हम शांतिकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को शांतिकालीन शक्तियों में कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, नियुक्ति का अधिकार तथा अन्य शक्तियां प्राप्त हैं। सर्वप्रथम हम कार्यपालिका शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। भारत में जो भी शासन के कार्य किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव की सूचना दे। भारत में प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रपति को जो भी व्यवस्थापिका के कार्य है, जो भी प्रस्ताव है, उनकी सूचना राष्ट्रपति को दे। इसके अलावा राष्ट्रपति को स्वयं को भी यह अधिकार है कि वह चाहे तो किसी भी मामले की सूचना प्रधानमंत्री से मंगवा सकता है, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे मामलों को जिन पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो मंत्रिमंडल के विचार के लिए रखा जा सकता है। कोई ऐसा मामला जिस पर मंत्रिमंडल में मंत्री ने विचार कर लिया हो, उस विचार को, उस निर्णय को राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिमंडल के सामने रखवा सकता है ताकि उस पर फिर से विचार किया जा सके। राष्ट्रपति मंत्रियों के मध्य कार्य विभाजन करता है। कौन मंत्री कौन से विभाग का कार्य देखेगा, इसका विभाजन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय वह बहुमत दल के नेता अथवा सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री मनोनीत कर सकता है। यह राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्ति के अंतर्गत आता है। सविवेकीय शक्ति जिसमें राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद सबसे बड़े दल के नेता को अथवा बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री की नियुक्ति दे सकता है। सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री मनोनीत करना यह राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्ति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति विभिन्न नियुक्तियां भी करता है। राष्ट्रपति महान्यायाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग, अंतर्राज्यीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, वित्त आयोग, भाषा आयोग, निर्वाचन आयोग के सदस्यों तथा विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां थी। इसके बाद राष्ट्रपति की हम विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को संसद को आमंत्रित और स्थगित करने का अधिकार है। इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी रखता है। यदि साधारण विधेयकों पर मतभेद हो तो उसे दूर करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। भारत में साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर दोनों सदनों का
संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित किया जा सकता है जो कि राष्ट्रपति करता है। भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार आमंत्रित किए जा चुके हैं। वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक अधिवेशन में प्रारंभ होने पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। इसके अलावा राज्यसभा के 12 सदस्य तथा लोकसभा में 2 अंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता, किंतु राष्ट्रपति साधारण विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भिजवा सकता है। अर्थात साधारण विधेयकों पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति को निलंबन का निषेधाधिकार भी प्राप्त है, जिसे राष्ट्रपति का वीटो अधिकार कहा जाता है। राष्ट्रपति का निलंबन का निषेधाधिकार या वीटो अधिकार वह है जिसमें वह साधारण विधेयकों को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भिजवाता है। संविधान के अनुच्छेद 123(1) के अनुसार संसद का जब अधिवेशन न हो रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। यह अध्यादेश उसी तरह से लागू होगा जिस तरह से संसद द्वारा पारित विधेयक लागू होते हैं। ये अध्यादेश संसद का अगला अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह पश्चात समाप्त समझे जाएंगे, किंतु अगर संसद 6 सप्ताह बाद पुनः जब संसद का अधिवेशन होता है उसे पुनः पारित कर देती है तो यह अध्यादेश विधेयक बन जाएगा। वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति के नाम से प्रति वर्ष बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। अर्थात बजट राष्ट्रपति के नाम से ही पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। इसके लिए वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। न्यायिक शक्तियां। भारत में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रपति दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं अथवा दंड में परिवर्तन भी कर सकते हैं। व्यवहार में राष्ट्रपति के इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा। सैनिक शक्तियां। राष्ट्रपति भारत में तीनों सेनाओं की सर्वोच्च राष्ट्रपति भारत में तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमान में राष्ट्रपति में ही निहित होती है। अर्थात जो भारत की तीनों सेनाएं हैं उसकी जो सर्वोच्च कमान है वह राष्ट्रपति के ही हाथों में होती है। कूटनीतिक शक्तियां या राजनयिक शक्तियां। राष्ट्रपति विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह राजदूतों, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र स्वीकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं।
राज्यों के संबंध में शक्तियाँ। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्यों को कुछ अधिनियम बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। परामर्श लेने का अधिकार, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, यह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। वह सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। वस्तुतः इन सभी शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग संसद करती है। आज हमने राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ा है। यह राष्ट्रपति का भाग दो है। कल हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।